एक बार मैंने पकड़ लिया तो छोड़ूंगा नहीं। रामायण में जब भगवान वहां हनुमान जी को मिले तो किष्किंधा जाना था, तो हनुमान जी बोले कि आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। राम बोले हाथ पे बिठा के ले चलो, गोद में ले चलो। हनुमान जी बोले कंधे पे बैठना पड़ेगा। भगवान बोले ऐसा क्यों, कोई विशेष बात है इसमें? बोले बहुत विशेष बात है। बोले क्या विशेष बात है? विशेष बात यह है कि यदि मैं गोद में ले जाऊंगा तो मैं आपको पकड़ूंगा, मैं आपका भक्त हूं, ज्यादा नियम व्यम जानता नहीं, मैं आपको छोड़ भी सकता हूं, और आप जब कंधे पे बैठेंगे तो आप मुझे पकड़ के बैठेंगे, मुझे पता है कि मैं कुछ भी कर लूंगा आप मुझे छोड़ोगे, क्योंकि आप जिसे एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसे कभी भी नहीं छोड़ते, और भक्त के पास इतना बड़ा ताकत नहीं होती, उसके मन में कभी कभी भटकाव आ जाता है नारायण। यशोदा मैया अपने बालक के लिए यमुना नदी में एक दोने में दिए में दोने का दिया बना के उसमें अपनी बाती जला के, घी की बाती जला के उसमें रख के, और यमुना जी में बहा रही हैं, मेरे लाला के 1,000 ब्याह होइयो, मेरे लाला के बड़े बड़े महल बनइयो, मेरे लाला की 1,000 वर्ष की आयु हो, ऐसा करके वहां में बहा रही हैं यमुना जी में। और कृष्ण सामने खड़े, अब वो दोना जो बहके जा रहा है वहां, भगवान उसे पकड़ रहे हैं, उठा के साइड में रखे दे रहे हैं। मैया ने उधर से दोना बहाया, ये सामने खड़े, इन्होंने दोना उठाया साइड में रख दिया। मैया बोली चोरे तू नेकू जेना आ रही, मैं इतनी मेहनत से दिए बाती कर रही हूं, जा मैं लगा लगा के ऐसे ऐसे तू को मांग रही हूं वरदान भगवान ते, और जे तू उठा उठा के ना साइड में रख रहा। भगवान बोले कि मैया जो मेरे सामने आ जाता है उसे मैं किनारे लगा देता, जो मेरे हाथ के पास आ जाता है उसे फिर मैं डूबने नहीं देता, जो मेरी नजर के सामने पड़ जाता है फिर मैं उसे जरा भी कष्ट नहीं होने देता, मैं गीले से उठा के सूखे में रख देता हूं। तो नारायण की जब दृष्टि पड़ी, चाहे वो पूतना है, तो कई ने संतों ने पूछा कि भगवान आपने आंखें क्यों बंद कर ली? भागवत जी में भगवान की तीन मां हैं, देवकी, यशोदा और पूतना। पूतना को भी मां का दर्जा दिया है नारायण। यद्यपि वो गलत संकल्प से आई, पर नारायण के पास जो किसी भाव से आवे उसके पास एक ही चीज मिलती है। अमृत को आप जहर समझ के पी जाओ या अमृत समझ के पी जाओ, अमर करेगा, और जहर को आप अमृत समझ के पियो या जहर समझ के पियो, दोनों स्थिति में मारेगा। तो नारायण के पास आप किसी भी भाव से पहुंचे, उद्धार निश्चित है, कल्याण निश्चित है। भगवान अभी 6 माह के ही है, सकुटासुर आ गए, आज भगवान का श्रृंगार हो रहा है। इंद्राणी ब्रह्माणी सब गोपियां आ गई अपने अपने घर से, कोई तेल ले आई, कोई जो है भगवान को लगाने के लिए काजल लेके आ गई, कोई पुष्प गुच्छ लेके आ गई, कोई तातो पानी लेके आ गई, आज भगवान को श्रृंगार कर रहे हैं सब जोड़। कोई भगवान के लिए चंदन घिस रही है, कोई भगवान की वस्त्र तैयार कर रही है, कोई भगवान को तेल लगा रही है। यशोदा मैया बड़ी परेशान हो रही है, बालवार अलमारी में जा रही है, कोई पोटली लेके आती है कि भगवान के लिए वस्त्र, एक गोपी आई पोटली छुड़ा के ले गई। मैया जो है चंदन और घिसने को लेके आई, इतना लेके हाथ में ही लिया, एक गोपी आई छुड़ा के ले गई। भगवान का श्रृंगार हो रहा है पंचायती। मैया बोली दूध तो मैं ही पिलाऊंगी और तुम कछु भी कर लो,
लेकिन वहां देखा कि सबको दूध उतर आया, लाइन लगी हुई है भगवान को दूध पिलाने के लिए, कि एक हटे तो दूसरा दूध पिलावे, दूसरी हटे तो दूसरा दूध पिलावे। अब भगवान का अलग अलग नाम रख दिया सबने, श्रृंगार कर रही है। कोई कह रहा है कार हो जाएगा नाम कलुआ रख दे, कोई कह रहा है ये तो जो है बहुत ज्यादा टेढ़ो बेड़ो करे, बहुत ज्यादा हिले जाको नाम जो है टेढ़ा रख दो। बोले ये उदम बहुत करता है, इसका नाम कुछ ऐसा कर दो हुल्लड़। मैया घबराई कि जाको नाम बिगाड़ेंगे, इसका नाम खराब कर देंगे, ऐसी चैंक हो जाती है ब्रज में। तनंद बाबा गर्गाचार्य जी को ले आए, गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण करने लगे। मैया बोले हमने तुझे पंडित को नाम कभी सुनो ना, ये गर्गाचार्य कौन? बोले बहुत ऊंचे पंडित हैं, वसुदेव के पुरोहित हैं, और यदि तो गर्गाचार्य पक्का पंडित है। तो सामने परमात्मा को देखा, और जैसे ही उसने परमात्मा को देखा उसकी समाधि लग गई। बोले इनके नाम अनेक अनुपा, मैं निरप कहव स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक हैं, मैं अपनी मति के हिसाब से इनके नाम बता रहा हूं। बहुनि संति रामानी रूपाणी च सुतस्य ते, तेरे बच्चे के नाम बहुत हैं, अनेक रूप हैं, मैं कौन कौन सा नाम बताऊं, मैं कौन कौन सा रूप बताऊं। यशोदा मैया घबराई, ये कौन सी बात कर रहा हूं? मैया बोले सीधा सा एक नाम रखना हो तो रख दे। बोले क्योंकि ये सबको आकर्षित कर लेता है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और जो रोहिणी जी का पुत्र है इसमें बल बहुत होगा, अत्यधिक शक्ति होगी, जितनी राम में शक्ति थी, जितनी राम भगवान में ताकत थी उतनी ताकत इसमें होगी। लेकिन ये राम की तरह बड़ा भद्र होगा, बड़ा अनुशासित होगा, इसका नाम बंदाऊ होगा। अत्यधिक शक्ति के कारण इनके नाम के साथ बल जुड़ेगा, बलभद्र। ज्यादा ताकत होने के बावजूद भी जो भद्र है, क्योंकि शक्ति तो जैसे ही आपके पास आती है आपको उन्मादा कर देती है, पावर ट्रेन टू करप्ट, शक्ति आते ही आप करप्ट हो जाते हैं, आपकी क्रियाशीलता बिगड़ जाती है। लेकिन जो नारायण में भाव रखता है, जो ईश्वर की अहित की कृपा से जुड़ा होता है, जो अनंत विभूषित मंगलकारी भगवान का स्मरण अपने हृदय में रखता है, वो अत्यधिक बलवान होने के बावजूद भी भद्र बना रहता है। और ब्रज में तो बलदाऊ को कोई भगवान मानता नहीं। दाऊ दादा भांग पिए तो यहां पे आ जाए, उनके साथ सब ऐसे अटखेलियां करते हैं। ब्रजवासी बड़े सहज हैं, उनमें कोई उच्चता का भाव नहीं है, वो कोई भगवान कृष्ण को ईश्वर की तरह नहीं मानते, यद्यपि वो उनका सम्मान करते हैं।